नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे इस चैनल अखंड ज्योति क्लासेस पे स्वागत है। आज आप लोगों को इस वीडियो में जो है आईटीआई वालों के लिए या फिर जो इस समय आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन की फर्स्ट स्टेज की परीक्षा जो भी क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जो है बताया जाएगा। चूँकि एग्जाम जो है एएलपी या फिर टेक्नीशियन का जो है दिसंबर में होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए जो है ये टॉपिक बनाया जा रहा है और ये आईटीआई या फिर दोनों जो एएलपी के लिए हैं सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग क्विज के बारे में जो है इस वीडियो में बताएंगे। आप अच्छी तरह से इसे देखें और पूरी जानकारी आपको मिलेगी इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने इक्विपमेंट होते हैं, कितने उपयंत्र होते हैं और किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। पहली हमारी जो टॉपिक है ड्राइंग बोर्ड। क्योंकि ड्राइंग बोर्ड जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है ड्राइंग बोर्ड सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। ये जो ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा लकड़ी का बना होता है, जो जैतून या फिर ओक का बना होता है। इसमें दो पट्टी लगी होती है, लकड़ी की होती है और उस पर तमाम पट्टियों को मिला के जो है एक बड़ा बोर्ड बना लिया जाता है, जो इस चित्र में आप लोग अच्छी तरह से देख रहे होंगे। तो इस प्रकार से हमारी ड्राइंग तैयार होती है और सबसे इसमें इस प्रकार क्वेश्चन क्या पूछ लेता है एग्जाम में ड्राइंग बोर्ड संबंधित, कि ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है, स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है और कितने प्रकार की होती हैं। तो पूरा चीज इसमें जो है ड्राइंग बोर्ड के बारे में आपको बताया जाएगा। आप चित्र में देख भी रहे हैं कि ड्राइंग बोर्ड जो है किस प्रकार की बनी हुई है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम बताएंगे कितने प्रकार की होती है, उसके बाद इसके बारे में बताया जाएगा। तो ड्राइंग बोर्ड मेनली जो है चार प्रकार का होता है। पहला जो हमारा प्रकार होता है B1 टाइप का होता है, फिर B2 होता है, B3 होता है और B4 होता है। इनकी साइज क्या होती है हमें याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक साइज हमें याद करना, उसके बाद जो है सारे साइज आसानी से याद हो जाएगा। तो पहली जो हमारी साइज होती है उसका जो माप होता है यही केवल याद करना होता है और इसी के आधार पे हम अगला जो है कर लेते हैं। होता क्या है B2 के लिए क्या होता है, 1000 यहाँ पे चला आता है इसके स्थान पे, तो आपका हो जाएगा 1000 इंटू इसका यहाँ पे आधा कर लेते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि पूरा इसका आधा ना करके यहाँ पे 750 नो लेके केवल 700 लेते हैं और ये हो जाता है 700 इंटू ये पॉइंट यहाँ पे फिर आ जाता है 25 और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 700 इंटू इसका आप आधा कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 500 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 15, आगे फिर इसका यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपका हो जाएगा 500 इंटू 350 इंटू 15। ये सारे जो क्वांटिटी होते हैं मिमी में होते हैं, ये याद रखना आपको, सारे जो क्वांटिटी होते हैं मिमी में। इस तरह से पूरा हो जाएगा आपका मिमी क्यूब या फिर देखा जाए मिमी मिमी मिमी। ये तो हमारे जो चार स्टैंडर्ड माप होते हैं, तो स्टैंडर्ड आपका जो एक ड्राइंग बोर्ड का माप होता है B1 B2 B3 B4। इस तरह से आप केवल एक याद करना पड़ेगा और सारे ड्राइंग बोर्ड का जो है माप आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि ड्राइंग बोर्ड जो है चार प्रकार की होती है, पहले प्रकार का माप इस प्रकार से है। तो केवल एक चीज याद करने की जरूरत है और हम सारी चीजें जो है आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से ड्राइंग बोर्ड के बारे में यही चीज पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में कि B1 प्रकार की ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है, B2 प्रकार की ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है, B3 प्रकार की ड्राइंग बोर्ड की माप क्या होती है और हम आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद आगे आते हैं हम, आगे इसके बाद आएंगे इक्विपमेंट के बारे में आ रहे हैं। तो पहला इक्विपमेंट हम बताएंगे आपको ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। ड्राफ्टिंग मशीन क्या होता है, ड्राफ्टिंग मशीन ड्राफ्टिंग मशीन ड्राफ्टिंग मशीन जो है एक बहुत ही कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट है जो हम विद्यार्थी आप लोग जो है इसे उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि सारे विद्यार्थी लगभग आईटीआई लेवल के जो जिस भी लेवल के हैं वो मिनी ड्राफ्ट से अपना काम चला लेते हैं और इस प्रकार इक्विपमेंट जो होता है प्रयोगशाला में या फिर वो संस्था में रखा होता है। तो ये जो ड्राफ्टिंग मशीन होता है इस पर जो हमारे अन्य इक्विपमेंट हैं बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होती है और इसमें जो है सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और टी स्क्वायर सारों का सभी लोगों का जो है एक सम्मिलित रूप होता है और इससे आसानी से जो है तिरछी रेखा, समांतर रेखा, किसी भी प्रकार का कोण जो है हम आसानी से बना लेते हैं। तो एक कम्पैक्ट हमारा ड्राफ्टिंग मशीन है और ये इसके बारे में बस यही जानकारी है कि इसकी सहायता से जो है हम आसानी से सारे जो भी हमारा समांतर रेखा, कोण वगैरह आसानी से बना लेते हैं। इसके बाद जो आता है जो लगभग सारे विद्यार्थी से परिचित भी हैं जो भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, मिनी ड्राफ्ट। मिनी ड्राफ्ट बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उपयंत्र होता है,
मिनी ड्राफ्ट। और चूंकि मिनी ड्राफ्ट जो है आप चित्र में देख रहे होंगे, मिनी ड्राफ्ट यहाँ पे किस प्रकार चित्र बना हुआ है, इसमें मेनली जो है मिनी ड्राफ्ट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ से, पहले हम बताएंगे मिनी ड्राफ्ट किस, इसमें क्या क्या उपयोग लगाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं गोल गोल चक्ती लगी हुई है, और इस गोल चक्ती पे जो है 0 अंश से लेके 360 अंश तक के कोण के जो है निशान बने हुए हैं। और हम वहाँ पे आप देख रहे होंगे चित्र में वहाँ पे 2 स्केल लगी हुई है, एक स्केल सीधी है और एक स्केल वहाँ पे 2 स्केल सटी हुई है, और उनके बीच का जो कोण है हमारा दिखला रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण जो है बना हुआ है। इस प्रकार से हम इसकी सहायता से, मिनी ड्राफ्ट की सहायता से पैरेलल लाइन और या फिर समांतर रेखा जो जिसे कहते हैं, और यहाँ से लंबवत रेखा और किसी प्रकार का कोण जो है आसानी से बना लेते हैं। और मिनी ड्राफ्ट में इस तरह से आप चित्र देख रहे हैं, और मिनी ड्राफ्ट के बारे में बस यही जानकारी है, और इसकी सहायता से हम किसी प्रकार का कोण वगैरह, और इसमें भी जो है अलग से न तो सेट स्क्वायर लगाने की जरूरत होती है, न तो हमारा प्रोटेक्टर लगाने की जरूरत होती है, न तो टी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, और ये भी कॉम्पैक्ट उपयंत्र है। इस प्रकार से मिनी ड्राफ्ट कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इसमें अलग से कोई उपयंत्र लगाने की जरूरत होती है कि नहीं होती है। जो हमारा गोल चक्ती होता है पारदर्शक होता है, उस पर जो कितनी स्केल प्रयोग की जाती थी, यहाँ पे 2 स्केल प्रयोग की जाती है, एक हमारी सीधी होती है उसके पे जो जुड़ा रहता है 90 अंश पे जुड़ा रहता है। इसके बाद आएंगे हम जो हमारा अगला उपयंत्र है उसके बारे में आप जानकारी लेंगे। अगला हमारा उपयंत्र है सेट स्क्वायर, के बारे में आपको बताया जाएगा। सेट स्क्वायर होता क्या है? सेट स्क्वायर आप चित्र में देख रहे होंगे कि सेट स्क्वायर जो है हमारे जो एक सेट में 2 प्रकार के सेट स्क्वायर पाए जाते हैं, और आप चित्र में देख भी रहे होंगे तो सेट स्क्वायर की सहायता से जो है ये आसानी से इस प्रकार का सेट स्क्वायर होता है हमारे पास मौजूद होता है। इस पे एक एंगल तो आपको दोनों सेट स्क्वायर में 90 डिग्री बना ही रहेगा, बस अंतर ये है एक में दोनों 45 अंश 45 अंश, और इसमें क्या होता है आपका एक होगा 60 और दूसरा होगा आपका 30। तो ये 2 प्रकार के हमारे पास जो है सेट स्क्वायर होते हैं, इनकी सहायता से जो है आसानी से लंबवत रेखा, समांतर रेखा, तिरछी रेखा भी जो है खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से इस सेट स्क्वायर के बारे में पूछा जा सकता है कितने प्रकार से कोण हम इसमें किस किस प्रकार के कोण आसानी से माप सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे 45 अंश, 90 अंश, और यहाँ से 60 अंश और 30 अंश, इस प्रकार से कोण का आसानी से मेजर किया जा सकता है। और इसमें होता यह है कि कभी कभी जो हमारे 2 सेट स्क्वायर का जो ज्वाइंट है आप चित्र में देख रहे होंगे, कभी कभी ये गलत माप देता है। इसको इसका परीक्षण किस प्रकार से करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो परीक्षण करने के लिए होता क्या है, हमारा जो यंत्र है आप देख रहे होंगे पहले वाले सेट स्क्वायर का, दूसरे वाले सेट स्क्वायर का जो 90 डिग्री का एक सिरा है, दोनों के एक स्थान पर इस तरह से रख लेते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे किस तरह से बनाया है, और इसे जो है क्या करते हैं स्थान पर इसे रख लेते हैं। अगर इन दोनों के बीच में जो रेफरेंस लाइन है अगर सीधी आ रही है, अगर रेफरेंस लाइन सीधी आ रही है तो दोनों सेट स्क्वायर सही है। अदरवाइज कभी कभी होता क्या, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में ये थोड़ा बहुत टेढ़ा तिरछा हो जाता है, तो इसे इसका परीक्षण करने के बाद जो है हम इसे मेजर करते हैं। और इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है, अभी आप देख लीजिए यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन कर लेता है। ये सेट स्क्वायर बना दिया है, ये आपका 90 डिग्री का आंसर है, और ये आपका जो है 45 है। तो ये एंगल अगर दे दिया होता है यहाँ पे, इसका मान पूछ लेता है, तो हमें पता हो जाना चाहिए अगर ये 45 डिग्री वाला जो है, और त्रिभुज के नियम से ही बता सकते हैं कि ये वाला कोण हमारा होगा 45 अंश, तो ये आपका कितना होगा, और इसका योगफल आपका हो जाएगा इन दोनों के जोड़ के योगफल के बराबर, क्योंकि ये बहिष्कोण बन जा रहा है। इसका मान आपका हो जाएगा 45 अंश प्लस 90 अंश, आपका हो जाएगा 135 अंश कुल। तो इस प्रकार से सेट स्क्वायर के बारे में बस यही जानकारी है। इसमें 2 प्रकार सेट स्क्वायर होते हैं, एक का एंगल दोनों में जो है एक एंगल कॉमन होता है जो होता है 90 अंश, इसके अलावा 2 कोण जो होते हैं, एक कोण आपका 45 अंश होगा 45 अंश, और एक में आपका 30 अंश और 60 अंश का कोण बनता है। इस प्रकार सेट स्क्वायर में ये जानकारी होती है। अब इसके आगे आते हैं हम टी स्क्वायर। टी स्क्वायर बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उपयंत्र है, जो लगभग सभी कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, जो ड्राइंग बोर्ड पर लगाया जाता है जिस ड्राइंग शीट को, उस पर जो है इसकी सहायता से हम समांतर रेखा खींच लेते हैं। और ये चूंकि ये टी आकार का होता है, और आप चित्र में आसानी से देख रहे होंगे कि टी आकार का ये आपका बना होता है इस प्रकार से, और चित्र में भी आप देख रहे होंगे टी आकार का होता है, इसलिए इसे टी स्क्वायर नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा लंबा सिरा होता है ये चीज, इसे हम जो है ब्लेड कहते हैं, ब्लेड होता है ये होता है ब्लेड, और इसे कहते हैं हेड।
और ब्लेड और हेड के बीच ये यहाँ पे रिवेटिंग की सहायता से दोनों को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे 3 स्क्रू या फिर 4 स्क्रू लगा दिए जाते हैं और यहाँ पे जो कोण बनता है ये 90 अंश का कोण बनता है। तो ब्लेड और हेड के बीच में कोण जो है 90 अंश का बनता है। इसकी सहायता से हमारी जो ड्राइंग शीट होती है उसमें समांतर रेखाओं को आसानी से खींचा जा सकता है या फिर वर्टिकल लाइन भी जो है खींच सकते, लेकिन क्षैतिज लाइन ही से अक्सर करके खींचा जाता है। और इस प्रकार से ये हमारा टी स्क्वायर हो गया, चूंकि टी आकार का होता है इसलिए इसे टी स्क्वायर नाम दिया गया है। अब इसके बाद आते हैं हम जो है प्रोटेक्टर के बारे में आते हैं, चांदा जिसे कहते हैं। चांदा जो है बहुत ही उपयोगी उपयंत्र है, लगभग छोटे से लेकर बड़े विद्यार्थियों के पास इसका होता भी है और अनिवार्य भी होता है। तो इसमें 2 प्रकार की चांदा होती है, एक अर्ध चांदा होती है, गोलाकार चांदा होता है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे चांदा, यहाँ पे अर्ध चांदा दिखलाया गया है और इस चांदे में जो हमारी मिनिमम माप होती है 0 अंश और अधिकतम माप होती है 180 अंश। तो इस प्रकार से चांदा जो है आप देख रहे होंगे प्रोटेक्टर। और इसके बाद हम आते हैं वो उपयंत्र ही है, तो अभी एक उपयंत्र बचा हुआ है जो हमारा पेंसिल है। पेंसिल ही बहुत ही महत्वपूर्ण उपयंत्र है। अब आप आते हैं पेंसिल पे, तो पेंसिल सबसे पहले प्रकार देख लिया जाएगा, पेंसिल का प्रकार। पेंसिल तो टाइप इसका क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जो है हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो नॉर्मली हमारे पेंसिल को अगर बांटा जाए तो 3 प्रकार से बांटा जा सकता है, एक हार्ड पेंसिल, मीडियम पेंसिल और एक हो जाएगा सॉफ्ट पेंसिल। तो आपको सबसे इसके आसान याद करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, जो हमारा 9H होता है, पेंसिल ग्रेडिंग होती है, 9H की पेंसिल जो होती है सबसे हार्ड होती है और 7H की जो पेंसिल होती है सबसे सॉफ्ट होती है। ये चीज याद रखने की जरूरत है, 9H की पेंसिल हमारी जो होती है सबसे हार्ड होती है और 7H की पेंसिल हमारी जो होती है सबसे 7B होता है, ये 9H की पेंसिल जो है सबसे हार्ड होती है और 7B की पेंसिल सबसे सॉफ्ट होती है। इसी के जो है घटते क्रम जब हम आएंगे, यहाँ पे आपका होगा 8H, 7H, 6H, 5H, 4H और उसके बाद आ जाएगा 3H, उसके बाद आ जाएगा आपका 2H, इसके बाद आ जाएगा आप किसको हम आगे लिख दे रहे हैं, H आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा F, उसके बाद HB आ जाएगा, उसके बाद B1 आ जाएगा, उसके बाद 2B आ जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे 3B आएगा, ये B है, उसके बाद 4B, 5B, 6B एंड 7B। तो जो 7B होता है सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है और 9H हमारा जो होता है सबसे हार्ड पेंसिल होता है। तो जो 3 भागों में बांटा गया किस प्रकार से याद कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कुल जो हमारे टाइप हैं ग्रेडिंग है 18 प्रकार की हैं, इन्हें 6-6 प्रकार से हम ले सकते हैं। और यहाँ पे अगर लिया जाए आपका हो जाएगा 4H तक ये सब जो हमारी ग्रेडिंग हो जाएंगी हार्ड पेंसिल में हो जाएगा। हार्ड हो गया, इसके बाद की जो है पेंसिल अगर लास्ट में देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 2B तक जो है हमारे ये सब आ जाएंगे सॉफ्ट पेंसिल में। और 2B को हम जो है राउंड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज हो गया सॉफ्ट पेंसिल। और उसके बाद जो बच रहे हैं हमारे ये आ जाएंगे मीडियम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हम बता सकते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हार्ड पेंसिल कौन है, इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि क्वेश्चन में कभी कभी दे देता है 9H, 8H, 7H, 6H, ये क्रम सही है गलत है। तो अगर आपको ये चीज पता रहेगा तो सीक्वेंस किस प्रकार से है, अगर घटते क्रम में दिया है कि मान ली सबसे हमारा सॉफ्ट पेंसिल 7B है, तो वहां पे लिखा रहता 7B, 6B, 5B और या फिर बीच में आ जाएगा 3B, तो यहाँ पे सीक्वेंस आपको गड़बड़ हो गया। या फिर अगर वो सीक्वेंस सही मिल रहा है तो वो सही होता है ऑप्शन। और इसे पूछ क्या लेता है कि 9H पेंसिल किस ग्रेडिंग में होगी, 2H पेंसिल किस ग्रेडिंग में होगी और 7B जो है किस ग्रेडिंग में होगी। तो हमें ये आसानी से बता सकते हैं और ये इसमें समझने की। और हम आपको बता दें कि ये जो हार्ड पेंसिल होती है इसका उपयोग जो है नॉर्मली हम और लाइट वर्क के लिए जो देखा जाए फाइन बहुत हल्की लाइन के लिए किया जाता है। और यहाँ पे जो सबसे सॉफ्ट पेंसिल हमारी है, ये जो सॉफ्ट पेंसिल है इसका आर्ट वर्क में कला वगैरह में जो है शेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अधिकतर जो है HB पेंसिल और B पेंसिल ये सब हम प्रयोग करते हैं लेटर राइटिंग वगैरह के लिए। इस प्रकार से पेंसिल का जो वर्गीकरण है 3 प्रकार से किया गया है, हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट। और आप इसमें देख सकते हैं और आसानी से इसे बताया जा सकता है। तो आप आगे आते हैं, पेंसिल के बारे में भी हो गया,
तो अब आगे आते हैं हम जो है कंपास के बारे में आपको बताई जाएगी। कंपास क्या होता है? कंपास भी जो है बहुत ही उपयोगी चीज है। इसकी सहायता से जो हम चाप लगाते हैं, चूंकि ये चाप हमारा होता है कंपास की सहायता से लगाया जाता है, तो कंपास भी जो है नार्मली दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक छोटी कंपास एक बड़ी कंपास होती है। कंपास होता क्या, आप चित्र में देख सकते हैं कंपास किस प्रकार से बनाया गया और सारे लोग इससे जो है परिचित भी हैं। कंपास में होता क्या है, दो लेग होते हैं, दो पाद मतलब दो पैर होते हैं इसके, और एक पैर में हम क्या लगाते हैं, पेंसिल को जो आसानी से लगा देते हैं, और दूसरा पांव एक नुकीला होता है, जहां से भी कोड बनाना होता है फिर चाप बनाना होता है उस रख के उसको जो है आसानी से हम चाप बना लेते हैं। इस प्रकार से कंपास, छोटी कंपास बड़ी कंपास, और इसी में एक और टाइप हो जाता है, इसे कहते हैं इंक पेन कंपास। उसमें क्या होता है, जो हमारी पेंसिल वाली सिरा होती है वो नीडल टाइप होता है और उसमें इंक डाल के जो है उसे डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से कंपास वो हमारा स्टील का बना होता है नॉर्मली, तो इस प्रकार से कंपास हो गया। और इससे आगे जो अभी मेन टॉपिक हमने छोड़ रखा है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये ड्राइंग शीट। क्योंकि अभी आपने ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखा, ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसका माप किस प्रकार से बता सकते हैं, तो अब आते हैं बात करते हैं किसकी, ड्राइंग शीट की। तो ड्राइंग शीट जो है बहुत ही उपयोगी है, इसका भी इसमें पूछ लेता है ड्राइंग शीट कितने प्रकार के होते हैं और इसका स्टैंडर्ड माप क्या है। तो ड्राइंग शीट आप जो है आपको बताया जाएगा ड्राइंग शीट का प्रकार। तो सबसे पहले हम आते हैं ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है, इसे भी देख लीजिए, लगभग पांच प्रकारों में बांटा गया है, A0, A1, A2, A3 और A4। इस तरह से ड्राइंग शीट के जो है कुल पांच प्रकार हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे पांच प्रकार। तो A0 जो है हमारी सबसे बड़ी शीट होती है, A0 शीट जो है सबसे बड़ी होती है और इसका माप क्या होता है आप देख सकते हैं, 841 इंटू 1189 mm होता है, ये mm में माप है, सारा माप जो है मिमी में है, मिमी में। और इसे भी जो है जिस तरह से आपको ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया गया कि याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे भी हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट यहाँ पे इसका आधा क्या करते हैं यहाँ पे उतार लेते हैं, और इसका आधा आपको देखो 594 इंटू इसको आप सीधे आप उतार लेंगे 841। अब यहाँ पे इसका आधा, अगले वाले में इसका आधा आपका हो जाएगा 420 इंटू आप इसको सेम आप क्या कर लेंगे उतार लेंगे, ये देखिए आसानी से। अब फिर इसका आधा यहाँ पे 594 का आधा हम करेंगे तो आपका हो जाएगा 297 और इसको यहाँ पे उतार लेंगे आसानी से इस तरह से। अब 420 का यहाँ पे आधा कर लेंगे आपका हो जाएगा 210 इंटू 297। ये सारे माप जो हमारे थे मिमी में थे। इस तरह से आप देख सकते हैं अगर एक माप याद हो A0 का तो हम सारे जो हमारी ड्राइंग शीट होती हैं सबका माप आसानी से बताया जा सकता है। और उसे पूछ लेता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड माप है, क्योंकि सारे जो माप बताए गए हैं BSI के बारे में बताया, BSI के आधार बताए गए हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक भारतीय मानक बोर्ड बनाया गया है, उसी के आधार पर सारा चीज पूछा भी जाता है और आप देख रहे हैं। तो ये हमारा A0 जो है सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है और सबसे छोटी जो होती है A4 साइज। आप लोग A4 साइज देखते होंगे फोटोकॉपी वगैरह पेपर किया जाता है, A4 साइज ही पेपर होता है और ये ड्राइंग शीट के प्रकार भी हैं। और इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता क्या है इसमें ड्राइंग शीट के बारे में, कि ड्राइंग शीट का जो हमारा एरिया होता है ये मीटर में, तो नॉर्मली अगर आप इसे मिनिमम देख रहे हैं तो आप सीधे जो है ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे 841 इंटू ए को जब कैलकुलेट करेंगे 841 इंटू 8189 इंटू आपका आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली अब इसे कह सकते हैं कि हमारा जो A0 साइज का जो ड्राइंग शीट होता है इसका पूरा एरिया हम कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो सीधे हम लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो हमारी ड्राइंग शीट जो सबसे बड़ी होती है A0, उसका एरिया टोटल हमारा माप कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर। ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेता और हम सीधे बताएंगे 1 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा आपको बता दिया जाए कि लंबाई और चौड़ाई में ड्राइंग शीट में जो है अनुपात क्या होता है, तो आप ध्यान दे दीजिए 1:√2 के अनुपात में हमारी जो ड्राइंग शीट होती है इसी अनुपात में होता है। तो इसमें पूछ क्या सकता है ड्राइंग शीट के बारे में, ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई में अनुपात क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, A1 का साइज क्या है, A2 का साइज क्या है। तो हम इस तरह से अगर ये जीरो पता है तो सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद जो है ड्राइंग शीट में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको बता दिया जाएगा, तो ड्राइंग शीट हमारा जब बनाते हैं तो उसमें हम शीर्षक डालते हैं,
जो शीर्षक वाला जो पॉइंट बनाते हैं, जो बॉक्स बनाते हैं, वो ड्राइंग शीट के दाहिने तरफ के कोने साइड में जो है सबसे नीचे बना जाता है। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से, मान लीजिए हमारी ड्राइंग शीट है, यहाँ पे हम नीचे उसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये पूछ लेता है जो हमारा शीर्षक बॉक्स होता है, ड्राइंग शीट किस तरफ होता है, कहाँ होता है, इसकी माप क्या होती है। तो इसका भी स्टैंडर्ड माप होता है, ये देख लीजिए, ये 65 mm होता है और इसकी जो ये लंबाई होती है 185 mm होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो शीर्षक बॉक्स होता है उसकी जो टोटल हमारा माप होता है 165 इंटू 65। हमारा जो शीर्षक होता है, शीर्षक बॉक्स का जो माप होता है हमारा, आपका हो जाएगा 185 इंटू 65। ये भी माप जो है सब मिमिम होते हैं, याद रखिए आप लोग, सारे जो माप बताए जा रहे हैं किसमें होते हैं, मिमिम होते हैं। इस प्रकार से इसमें पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड हमारी जो शीर्षक बॉक्स होती है उसका माप क्या होता है, तो ये होता है 150 इंटू 65। कभी कहीं कहीं जो है डिप्लोमा लेवल पे या फिर ड्राइंग बनाने के लिए नॉर्मली जो है 180 इंटू 60 का भी हम बना लेते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड जब भी पूछेगा आपसे एग्जाम में तो हम यही बताना है 185 इंटू 65 मिमिम है उसका ओरिजिनल माप होता है। इस प्रकार शीर्षक बारे में जानकारी हो गई, और इसके अलावा जो है और अन्य वीडियो जो है, अगला हमारा जो पॉइंट आएगा, जो भी आगे जो बताया जाएगा अगले में जो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, जो भी हमारे बचे हुए हैं दो इक्विपमेंट उसको बताया जाएगा, लेकिन लगभग सारे इक्विपमेंट हो चुके हैं, ड्राइंग बोर्ड के बारे में हो चुका है, स्केल्स के बारे में जो है बता दिया जाएगा। इसी में स्केल हमारी जो है नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक स्केल जो होता है हमारा 150 है, दो इक्विपमेंट उसको बताया जाएगा, लेकिन लगभग सारे इक्विपमेंट हो चुके हैं, ड्राइंग बोर्ड के बारे में हो चुका है, स्केल्स के बारे में जो है बता दिया जाएगा। इसी में स्केल हमारी जो है नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक स्केल जो होता है हमारा 150 है मैम, और दूसरा हमारा जो होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक मिनट, एक स्केल की जो टोटल माप होती है, दो प्रकार की स्केल होती है हमारे पास, 150 mm या फिर एक होता है हमारा 15 सेमी का, दूसरा होता है 30 सेमी का, 15 सेमी और 30 सेमी। तो जो हमारे स्केल्स होता है हमारे पास, इसकी सहायता से जो है 0.5 mm का हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, और ये हमारे पास दो प्रकार की स्केल होती है। इस प्रकार से लगभग इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, या फिर जितनी जानकारी आपको लेनी थी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, और हम आशा करेंगे कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर आपको इसी तरह से, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है जो भी चीज़ डाला जाएगा बहुत ब्यौरा सहित डाला जाएगा, तो आप हमारे चैनल बने रहें, और इस तरह से भी अगला वीडियो जो है जल्द ही जो है ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अभी भी जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं सारे टॉपिक आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, और आप हमारे चैनल पर